एक तो उसने दूसरे दोस्त से कहा, यार कल मेरा एग्जाम है, मुझे जल्दी उठा देना। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, सुन मेरा सामान पकड़ के सो जा, सुबह मुझसे पहले उठ जाता है। अगर तुम वीडियो का थंबनेल देखकर आए हो ना, तो तुमने अपने माँ बाप के पैसे और परवरिश दोनों का सत्यानाश। कल ना बहुत दिनों बाद मैं बहुत खुश था, मतलब इतना खुश था, खुशी मेरे शरीर के हर अंग अंग से निकल रही थी। तो इसी चक्कर में मैंने अपने बचपन के सारे फेवरेट गाने सुन लिए, जैसे कि ये। तो मैं मस्त अपना इन गानों में खोया हुआ था। तभी ना मेरे दिमाग में आया कि यार इन गानों की मैंने कभी वीडियोस तो देखी नहीं। फिर क्या, मैंने कर दिया सर्च बेबी बैट बुलेरो में वीडियो। वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने आप से माफी मांगी कि अपना दिन मैंने खुद ही खराब कर लिया। उसके बाद सोचा चलो इसी बहाने तुम्हारे लिए कॉन्टेंट मिल गया मुझे। ए मैडम, कभी कभी हमसे भी प्यार की बातें कर लिया करो। पहले फोन का रिचार्ज तो करवा ले पनवाड़ी। मैं सोचता हूँ ना पहले दूसरों की वीडियो 10-15 सेकंड चलने दूंगा, उसके बाद बेइज्जती माना चालू करूंगा। बट नहीं, इन्हें तो वीडियो स्टार्ट होते ही हक देना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत बर्बाद है। ए मैडम, कभी कभी हमसे भी प्यार की बातें कर लिया करो। क्यों, तू मेरी फूफी का छोरा है? अरे वैसे भी मुझे लगा है मैंने तेरा कुछ लेके खा रखा दिखा है। इसके मेकअप आर्टिस्ट ने ना इसका चूना लगा दिया, बोल दिया होगा दीदी चश्मे में आप प्रियंका चोपड़ा लगती हो। फिर क्या, इसने मान ली बात और आगे अंधों वाला चश्मा पहन के खा रखा दिखा है। हो सकता है, है ना, कभी ना हो सकता हो। बात सुन ले, कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है। मुझे नहीं लगता इस चमगादड़ को नींद भी आती है। छोरे प्यार हमसे भी कर ले, हमें बहुत नींद आती है। क्योंकि वो कुंभकर्ण की बहन है। हाँ, वो रावण की बहन और तू शैतान का साला और मैं। तुम में से जिसको भी लग रहा है ना मैंने भी बहुत गंदा जोक मारा है, तुम लोग सही हो यार, मैंने सही में बहुत गंदा जोक मारा है। छी, क्या है ये बाला बाला। काश खुशियों की दुकान होती। अच्छा। और हमें उसकी पहचान होती। अच्छा। सारी खुशियाँ खरीद कर आपकी झोली में डाल देते। ये खुशियाँ खरीदने की बात कर रहा है, इसके जेब में हाथ डालोगे ना एक मुट्ठी कंचे निकलेंगे अभी। और अगर इसे खुशियों की दुकान मिल भी गई ना, वहाँ भी पान थूक कर आएगा ये। कहाँ से पकड़ के लाए हो यार इसे। सोचो तुम और तुम्हारी फैमिली पिकनिक पे जा रही है और रास्ते में ये लोग दिख जाए तुम्हें। बेबी बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातिर। ये सब देखने के बाद मेरा बाप गाड़ी रोकेगा नहीं, चढ़ा और देगा इन पे। इन लोगों का बैकग्राउंड देख रहे हो तुम। बचपन में ना मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेलने जाते थे, तो हमारी बॉल ना झाड़ियों में चली जाती थी। तो हम जब ढूंढने जाते थे तो झाड़ियों के उस पार हमें ऐसे ही कुछ लोग मिलते थे, हमें लगता था कबाड़ी वाले कबाड़ा बिन रहे थे। बट हमें पता होता ना वहाँ म्यूजिक वीडियो शूट हो रही है, हम भी नाच लेते। और ये रहे मिस्टर फैजू और उनकी टीम, टिकटॉक से पहले यही काम था इनका। एक दिन ना गली में इसने 12 कंचे जीते थे, उसी की क्लिप उठा के डाल दी। और पीछे लोग इसकी तारीफ नहीं कर रहे, अपने अपने कंचे वापस मांग रहे हैं। और कल मैंने सिर्फ इस गाने की वीडियो नहीं देखी थी, मैंने और गानों की वीडियो देखी थी, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इस गाने का ना मैं तुम्हें टाइटल पढ़ा देता हूँ, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन। इस गाने को बनाने का ना सिर्फ एक ही मकसद था कि इस गाने को देख के दुनिया भस्म हो जानी चाहिए। लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, गोरा सा बदन। तुम लोगों को कभी अगर डांस सीखना है ना, तो डांस क्लासेस चले जाना या फिर यूट्यूब से देख के सीख लेना। बट कभी भी जादू टोटका करने वाले या तांत्रिकों से डांस सीख के मत आना, वरना ऐसा डांस करोगे तुम लोग। पता नहीं कौन सा काला जादू कर रहा है लड़की पे। यार ये कौन सा फिल्टर है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ स्कूल के कंप्यूटर पे वीडियो मत एडिट करा करो, उन्हीं कंप्यूटर में मिलते हैं ऐसे फिल्टर। बट यार तुम कुछ भी कह लो, मिस्टर फैजू और उसकी टीम ने स्ट्रगल तो बहुत किया पास्ट में। आखिर एक म्यूजिक वीडियो कितनी डरावनी हो सकती है। अगर आज रात मेरे सपने में ये आया ना, भाई मैं छोड़ रहा हूँ रोस्टिंग वगैरह, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे जिंदगी प्यारी है अपनी। दिल मेरा लूट लिया हंसे हंसे बोले से, प्यार की कटारी मारे काल देने छोले से, काल देने छोले से, काल देने छोले से। और भाई साहब ये कैसी आवाज है, सुनना जरा। छोले से, काल देने छोले से। इन लोगों ने एलियन से गाने गवा लिए,
क्या बोलूं मैं, सारी हदें तो पार कर दी इन्होंने। और इस गाने के नीचे ना एक वीडियो आ रही थी, मैं उसका टाइटल बढ़ाता हूँ तुम्हें, लड़की को माँ कैसे बनाए, मैं बताता हूँ लंगड़ी टांग खेल के। तो यार बस आज के लिए मेरा हो गया, और एक बार फिर हम वीडियो के एंड में आ गए। अब मुझे वही तीन चार चीजें बोलनी पड़ती है जो ना तुम्हें सुननी पसंद है ना मुझे अच्छी लगती है बोलने में, बट बड़े बूढ़े रिवाज बना के चले गए तो बोलना तो पड़ता है। लाइक ए यार क्यों, शेयर सब्सक्राइब सब जो हो सकता है कर दो वीडियो के साथ, ठीक है ना, माफी दो प्लीज, बहुत जहरीले, मेरा बचपन बर्बाद हुआ है आज ये दो तीन गाने देख के जिन्हें यार छोड़ो बाय। भोसड़े के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। सेक्स।